आज मैं सुनाना चाहता हूँ आपको एक गाना, क्योंकि तुम ही हो। हाँ भाई, हम ही हैं। इस बेहतरीन सिंगर के रियलिटी शो से बाहर होने का कारण हम ही तो हैं। वरना भला इतने अच्छे सिंगर को कोई कैसे किसी शो से बाहर कर सकता है? समझ गए ना किसकी बात हो रही है? शो से बाहर करने से एक ऐसा रैपर याद आ रहा है जिसने रिजेक्शन के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट वाला EMI। अच्छा, तो रियली कॉमन मैन का जो प्रॉब्लम है उसको आपने एकदम रैप स्टाइल बनाया और जैसे तैसे यूट्यूब पर अपनी रैपिंग वीडियोस अपलोड की। क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। और फिर उसकी एक वीडियो को छोड़ किसी पर कोई व्यू नहीं आया। लेकिन सक्सेस में इस सिंगर को कोई मात नहीं दे सकता जिसने जिस शो से बाहर होने का रास्ता देखा था, आज उसी शो को बैठकर जज कर रही हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आपका अंदाजा एकदम सही है। आज हमारे वीडियो में सिंगर्स की ही बात करेंगे, बिकॉज आज के वीडियो का टाइटल है सिंगर्स हु गॉट रिजेक्टेड इन देयर ऑडिशंस। नंबर 1, एमी बे बचाए। नाम कमाने के लिए YouTube पर मार्च 2014 में रिलीज किया अपना पहला रैप और बंटाई। और बंटाई, क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। लेकिन इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो पर नहीं मिला था कोई भी व्यू। हालांकि इस रैपर ने YouTube पर कोशिश करने से पहले दिया था शो इंडियाज गॉट टैलेंट में ऑडिशन, लेकिन वहाँ उन्हें फेस करना पड़ा रिजेक्शन। आप तो पहचान गए ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एमिवे बंटाए, जिनका असली नाम है शाहरुख शेख। उन्होंने हॉलीवुड रैपर एमिनेम से इंस्पिरेशन लेते हुए अपना पहला रैप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन पिता ने सलाह दी रैप्स को उस लैंग्वेज में लिखने की जो सभी लोग समझ सके। पर 2014 में अपनी वीडियो YouTube पर अपलोड करने के बाद एमिवे को फेम के लिए 3 साल तक इंतजार करना पड़ा था, और 3 साल बाद उन्हें जैसा फेम मिला उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वेल, अब हुआ ये था कि एक इंटरव्यू में रैपर रफ्तार ने एमिवे के पैसे नहीं कमाने की बात बोली थी। जिसका जवाब देते हुए एमिवे ने अपने चैनल पर इस ट्रैक को रिलीज किया था। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसने बोला एमिवे कमाया क्या, मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बनता है, तूने लगाया क्या। इस डिस ट्रैक ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, और इस कंट्रोवर्सी का फायदा एमिवे को कुछ ऐसे हुआ कि एक ही दिन में उनके यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। कैन यू इमेजिन, एक रैप सॉन्ग और 5 लाख सब्सक्राइबर, और अब एमिवे इतने सक्सेसफुल हो गए कि बॉलीवुड मूवी गली बॉय में भी उनका रैप सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। मैं बोलता सड़क, ये बोलता स्ट्रीट, हिंदुस्तानी हम, हिंदुस्तानी बोली सीख। इसके साथ ही रेडियो सिटी फ्रीडम से एमिवे को बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट का टाइटल लगातार 3 सालों तक मिला है। नंबर 2, विशाल मिश्रा। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था। बॉलीवुड के आज के टाइम के एक ऐसे यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जिन्हें कभी रियलिटी शो से बाहर फेंक दिया गया था, और वो भी एक नहीं 2 बार। सही सुन रहे हैं आप, 2-2 बार शो से बाहर। और इस सिंगर कंपोजर ने नाम कमाने के लिए इंडियन आइडल सीजन 4 में पहली बार ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने सीजन 6 में वापस ऑडिशन दिया, जहां पहले राउंड में तो उनका सिलेक्शन हो गया, आप मुंबई आ रहे हो, लेकिन दूसरे राउंड में पहुंचने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ विशाल मिश्रा की, जिन्होंने एक शो से 2 बार रिजेक्ट होने के बाद ना हिम्मत हारी और ना हौसला। तभी तो पूरे जोश के साथ उन्होंने फिर से डीडी नेशनल के रियलिटी शो भारत की शान सिंगिंग स्टार में हिस्सा लिया, और फाइनली शो के विनर का टाइटल अपने नाम किया। और अगर बात ब्रेक की करें तो वैसे तो विशाल मिश्रा को उनका पहला ब्रेक करीब करीब सिंगल के ट्रैक में एज अ कंपोजर मिल गया था, लेकिन कंपोजर से ज्यादा सिंगर को याद रखते हैं, और ये बात विशाल अच्छी तरह से जानते थे। तभी तो उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और कई मूवीज के लिए कंपोजिशन करते रहे, लेकिन फिर उन्हें फिल्म कबीर सिंह के हिट सॉन्ग को गाने का मौका मिला, जिसके बाद वो इतने फेमस हुए कि हर कोई विशाल मिश्रा को सुनना पसंद करता है। आपको शायद ये जानकर शॉक लगेगा कि पिछले साल कोविड-19 के वक्त पॉपुलर हुए सॉन्ग का कॉम्पोजिशन भी विशाल मिश्रा ने अक्षय कुमार और जैकी बागनानी के कहने पर किया था। नंबर 3, मोनाली ठाकुर। बॉलीवुड का हिट नंबर और उसी फिल्म का एक और हिट सॉन्ग छोटे मोटे पत्तियां बनाए कैसे।
हम सभी की जुबान पर आज तक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के सिंगर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जैसा हमने कई सिंगर के साथ होते सुना है। इंडियन आइडल के सीजन 2 के टॉप 10 में आने के बाद भी मोनाली ठाकुर को ऑडियंस ने कम वोट्स देकर शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इतने बड़े शो से एलिमिनेट होने के बाद भी अपनी सिंगिंग के दम पर मोनाली ने नेशनल अवार्ड अपने नाम किया और उन्हें ये अवार्ड मिला था उनके अब तक के सबसे बेस्ट सॉन्ग मोह मोह के धागे के लिए। वैसे देखा जाए तो मोनाली का बॉलीवुड डेब्यू जाने मन में ही हो गया था, लेकिन उनको असली पहचान दिलवाई म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने। प्रीतम ने मोनाली को फिल्म रेस में दो गाने गाने का मौका दिया और वो दोनों ही गाने चार्टबस्टर्स बन गए। आज मोनाली बॉलीवुड और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बन गई है जिनके गानों को सभी लोग पसंद करते हैं। वैसे आप जानते हैं मोनाली सिंगर होने के साथ साथ एक ट्रेन डांसर और एक्ट्रेस भी है। नंबर 4 नेहा कक्कर रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 5 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले दिया ऑडिशन फिर हुआ सिलेक्शन, लेकिन फिर कम वोट की वजह से शो को कहना पड़ा अलविदा। लेकिन फिर इसके बाद नेहा की किस्मत का ताला कुछ यूं खुला कि वो उसी शो में जज बनकर अब लोगों को करती हैं रजे। घर की जरूरत को पूरा करने के लिए जगरातों में गाना गाने वाली नेहा कक्कड़ ने कम समय में 0 से 100 का सफर तय किया है और कुछ ऐसा किया है कि लोग अब इसकी मिसालें देते हैं। अपनी बहन सोनू कक्कड़ से म्यूजिक में ट्रेनिंग लेते हुए नेहा ने कई सारे गानों में अपने वोकल्स दिए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म मीराबाई नॉट आउट में बतौर कोरस सिंगर डेब्यू किया था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें अपनी पहचान नहीं मिल रही थी। पर फिर साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल जिसके सबसे हिट डांस नंबर सेकंड हैंड जवानी ने नेहा की किस्मत का दरवाजा खोला। इस गाने के बाद नेहा ने कई फेमस पार्टी सॉन्ग्स जैसे सनी सनी, लंदन ठुमका, मैं तेरा बॉयफ्रेंड की बीट पर लोगों को नचाया और अब नेहा की सक्सेस स्टोरी ने अपना इतिहास भी लिखना शुरू कर दिया है। तभी तो उनका नाम इंडिया फोर्ब्स के टॉप 100 डिजिटल स्टार में दो बार शामिल हो चुका है। नंबर 5 आशीष कौर। ये गुरबानी हम सब ने कहीं ना कहीं इसी आवाज में सुनी है, लेकिन इस गुरबानी को जिसने गाया है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इतनी मीठी आवाज होने के बावजूद आशीष कौर इंडियन आइडल के सीजन 6 में ऑडिशन राउंड से बाहर हो गई थी। 5 साल की कम उम्र से सिंगिंग करने वाली आशीष को म्यूजिक इंडस्ट्री का सपना उनके पापा ने दिखाया था और उनकी गुरबानी का वर्जन पूरे इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें हर इवेंट्स में उसके लिए बुक किया जाने लगा। गुरबानी से अपने करियर की शुरुआत करना आशीष के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। तभी तो हार न मानकर आगे बढ़ते हुए उन्होंने पंजाबी रियलिटी शो आवाज पंजाब दी में पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पानीपत छोड़ मुंबई आ गए और सपनों की नगरी मुंबई में उन्हें सलीम मर्चेंट की मदद से अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका तमंचे मूवी में मिला। ओ तेरे वास्ते मैं सारा जग छोड़ के दिखाऊं, किस्मत की कलाइयां उड़ के दिखाऊं। और वो अपने गाने से लोगों के बीच फेमस हुई जिसने उन्हें लोगों का चहिता बना दिया। बस फिर क्या था, इस गाने के हिट होते ही उन्हें अवार्ड्स और काम दोनों मिलने लगे। नंबर 6 जुबिन नौटियाल। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम। अपनी हेयर स्टाइल और अपनी स्माइल से लड़कियों का दिल जीतने वाले सिंगर जिनका कंपैरिजन अक्सर आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से किया जाता है, उन्हें अपने पहले ऑडिशन के वक्त शो के जज सोनू निगम से मिला था रिजेक्शन। नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ जुबिन नौटियाल की, जिन्होंने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन तो दिया था लेकिन सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, मेरी तरफ से ना, जिसकी वजह से उन्हें टॉप 25 से बाहर होना पड़ा था। इस एक रिजेक्शन ने आज की फेमस सिंगर को एक जमाने में गानों के स्क्रैचेस गाने के लिए मजबूर कर दिया था। इन्हें की वजह
तुम लेकिन भाइयों कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहीं राह है। इसी सोच के साथ जुबिन अपने हर स्क्रैच को ऐसे गाते थे मानो जैसे वो गाने का ओरिजिनल वर्जन हो। ऐसे ही एक दिन जुबिन ने फिल्म शौकीन का तेरी मेहरबानी का स्क्रैच वर्जन गाया था। एहसास तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में। जिसे जब फिल्म के लीड अक्षय कुमार ने सुना तो वो इसके इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने स्क्रैच गाने वाले जुबिन से ही गाने का ओरिजिनल वर्जन रिकॉर्ड करवाया, और वो भी बिल्कुल स्क्रैच वर्जन जैसा, यानी बिना किसी चेंज के। उस साल जुबिन का तेरी मेहरबानी और फिल्म सोनाली केबिल का दोनों चार्ट बस्टर्स में टॉप पर थे। बस फिर क्या था, एक के बाद एक गाने जुबिन गाते गए और लोगों के दिल पर छाते गए। वैसे मैं बता दूं, जुबिन सिंगिंग के अलावा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार, ड्रम और हारमोनियम भी बजाते हैं। नंबर 7, अरिजीत सिंह। अब बात करते हैं एक ऐसे सिंगर की जिसे शायद ही कोई नहीं पसंद करता हो, लेकिन ठहरो, शायद वो हम ही तो हैं जो उसे एक जमाने में पसंद नहीं करते थे, तभी तो हमने उसे टॉप 5 में शामिल होने का मौका नहीं दिया। अब भी नहीं समझे किसकी बात हो रही है? अरे मैं बात कर रहा हूँ 2005 में सोनी टीवी पर आने वाले शो फेम गुरुकुल के कंटेस्टेंट अरिजीत सिंह की, जिसे कम वोट के चलते टॉप 5 से बाहर होना पड़ा था। हालांकि शो में अरिजीत की आवाज को शो के जज शंकर महादेवन और संजय लीला भंसाली दोनों को काफी अच्छी लगी थी, इसलिए दोनों ने एक एक करके उन्हें ब्रेक देने की कोशिश की। जहां अरिजीत को सबसे पहले ब्रेक शंकर महादेवन ने अपने एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल 2 के गाने आजा नचले में दिया, लेकिन शायद उनकी किस्मत का चमकने का समय अभी नहीं आया था, तभी तो ये एल्बम बुरी तरह पिट गया। जिसके बाद बारी आई संजय लीला भंसाली की, जिन्होंने रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू मूवी में अरिजीत की आवाज को पहचान देनी चाहिए। पर जब नसीब में हो कद्दू तो कैसे मिलेगा लड्डू, इसीलिए तो इतने बड़े फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंज हो गया और इस गाने को ही फिल्म से निकाल दिया गया। ये बात और है कि अरिजीत ने हिम्मत हारना नहीं सीखा था, इसीलिए तो इतनी नाकामयाबी के बाद भी उन्होंने 10 का 10 ले गए दिल शो में एज अ कंटेस्टेंट हिस्सा लिया और कॉम्पिटिशन को जीत कर अपने लिए सक्सेस का दरवाजा खोला। और आपको ये भी बता दूं कि अरिजीत को बॉलीवुड इंडस्ट्री में असल पहचान साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 के तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, और चाहूं मैं या ना गानों से मिली। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं इस पहचान से पहले बार बार मिल रहे फेलियर के बाद अरिजीत आज इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक है। कई अनगिनत अवार्ड्स के साथ वो अब इतने फेमस हो गए हैं कि 2020 में स्पॉटिफाई ने अरिजीत सिंह को मोस्ट स्ट्रीम्ड इंडियन आर्टिस्ट का टाइटल दिया था। इन सारे सिंगर्स की कहानी इनकी आवाज की तरह ही काफी मेमोरेबल है, काफी यादगार है, तभी तो ये आज लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। पहले रिजेक्शन, फिर सिलेक्शन।